छः बज गए थे। मेरे बच्चे अब तक पार्क से वापस ही नहीं आए थे। मैं थोड़ी डरी हुई सी थी क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर 6 बजे तक घर पे आ जाते थे। सोचा कि आसपास देख के आती हूँ, तो पार्क में खेल रहे थे, वो बहुत खुश थे। मैंने आसपास देखा कि वो किस चीज़ से खेल रहे हैं, तो देखा कि डॉगीज़ के कुछ पपीज थे जिनके साथ वो खेल रहे थे। मैंने उन्हें देखा, धीरे से मुस्काई। वो मुझे नहीं देख पाए, मगर उनको देख के मैं वापस घर चली गई। जब घर वापस आई और जब वो पहुंच गए तो बताने लगे कि मम्मी पता है पार्क में पपीज हैं और वो बहुत क्यूट हैं, कल से ना हम उनके लिए बिस्किट लेके जाएंगे और दूध भी। उनको सुन के मुझे पता नहीं क्यों, बातें सुन के बड़ा खुशी हुई कि मेरे बच्चे को जानवरों से प्यार है, मेरे बच्चों को उनसे लगाव है। अक्सर वो पार्क जाया करते, कभी बिस्किट, कभी दूध लेके, कभी ब्रेड लेके, उन छोटे पपीज के लिए। मगर जब जब उनकी क्लासेस होती, वो उन कामों को भूल जाते। कभी उनके दोस्त उन्हें बुलाने आ जाते, तो कभी वो किसी और काम में लग जाते। तो ये ड्यूटी उनके साथ साथ मेरे भी हॉबी का और डेली रूटीन का पार्ट बन चुकी थी। रोज पार्क जाना, रोज उन डॉगीज को खिलाना, कभी अपने बच्चों के साथ तो कभी अकेले। मगर मेरा मेरे घर से पार्क तक का सफर तय हो गया था उन बच्चों से मिलने के लिए, जो भले ही मेरे बच्चे ना हो मगर जिन्हें मुझसे लगाव था। एक शाम मैं लेट हो गई थी, मैं ऑफिस से लेट आई थी और सोचा कि मेरे बच्चों ने शायद उन्हें खाना खिला दिया होगा। मगर उन्होंने बोला कि मम्मी हमने तो नहीं खिलाया, हम भूल गए। इस बात को सुन के मैं बहुत गुस्सा हुई और भागती भागती पार्क गई। उस दिन बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा आसपास कोई भी नहीं था। आवाज लगाने के बाद वो तीनों आ गए, उसमें 2 डॉग थे और 1 बिच्च। वो तीनों सामने आए उनकी पूंछ हिलाते हुए और मेरी तरफ मुस्काने लगे। बारिश में भीग रहे थे मगर बड़े प्यारे लग रहे थे, वो मेरा इंतजार करते थे। वक्त के साथ वो बड़े होते गए, अब वो 6 महीने से ज़्यादा के हो गए थे। अब उनका सफ़र पार्क से नहीं मेरे घर तक का हो गया था। अब वो मेरा इंतज़ार मेरे घर के बाहर करते थे। मैं ऑफिस के लिए कभी कभी लेट हो जाती और आते वक्त इसलिए लेट आना पड़ता, इसके कारण मुझे कभी कभी उन्हें लेट खाना देना पड़ता, मगर वो तब भी मेरा इंतज़ार करते थे। रोज़ाना मेरे घर के पास, मेरे घर के सामने वो खड़े रहते थे एक करेक्ट टाइम पे। वो आते मुझे देख के मुस्कुराते, चाटने लगते, और मैं भी उतना ही मुस्कुरा देती। एक शाम मैं लेट हो गई थी, ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गई कि भूल गई कि टाइम क्या हुआ है। जब घर पहुंची तो दोबारा अपने बच्चों से पूछा कि क्या तुमने खाना खिलाया उन्हें, उन्होंने मना कर दिया। मैं बाहर निकली, मैंने देखा कि वहाँ पे 2 डॉगी थे, मगर लीसा नहीं थी। मैंने आसपास देखा, आवाज लगाई, मगर वो आई नहीं। मेरे सामने एक पपी आया, एक छोटा पपी जो मुझे कहीं खींच के ले जा रहा था, जो शायद लीसा का बेबी था। वो मुझे खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका पीछा किया तो वो मुझे पार्क में किसी झोपड़ी में लेके जा रहा था। मैं वहाँ पे गई तो देखा कि एक आदमी बिना कपड़ों के ज़मीन पे लेटा हुआ है और लीसा वहाँ पे दर्द के मारे तड़प रही है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, आसपास खून पड़ा है और वो दर्द के मारे चिल्ला रही है। मैं समझ के क्या हुआ है, मैं समझ के इस बार फिर एक इंसान ने अपनी हैवानियत का शिकार जानवर को बनाया है। मैं समझ के इस बार फिर एक इंसान ने अपनी हैवानियत का शिकार एक जानवर को बनाया है। जब उसे डॉक्टर के लेके गए तो वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका रेप हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट में एक 11 इंच का लकड़ी डाल दी गई थी और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया गया।
जब मैं उसे छूने की कोशिश कर रही थी तो वो इस बार मेरे हाथ से भी डर रही थी। जो आके हमेशा मुझे देख के मुस्कुराया करती थी, आज वो डर रही थी। आज उसने भरोसा खो दिया। दोबारा एक जानवर ने इंसान पे से भरोसा खो दिया। हाँ, हम गलत हैं।